जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने सीजेआई की कुर्सी में बैठने से पहले तिरंगे को नमन किया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। उन्होंने सीजेआई यूयू ललित की जगह ली है, जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पड़ोसी देश नेपाल में मंगलवार देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। झटके भारत के दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के 5 राज्यों में भी महसूस किए गए। लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार नेपाल में भूकंप 9 नवंबर रात 1:57 पर आया। यहां दोती जिले में घर गिरने से 6 लोगों की जान भी चली गई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को मुंबई की पीएमएलए कोर्ट से 102 दिन बाद जमानत मिल गई है। ईडी ने उन्हें 31 जुलाई को 9 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इससे पहले 28 जून को भी ईडी ने राउत से पूछताछ की थी। संजय राउत पर 1,039 करोड़ के पात्राचौल जमीन घोटाले का आरोप है। कर्नाटक में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक कैंडिडेट के एडमिट कार्ड में सनी लियोन की बोल्ड फोटो छपी है। यह तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस ने एडमिट कार्ड का स्क्रीनशॉट ट्वीट किया है, सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस पार्टी से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जो विधानसभा के अंदर ब्लू फिल्म देखती है। विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में वोटर्स को रिझाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी आज हिमाचल आए। उन्होंने कांगड़ा के शाहपुर में चंबी मैदान में विशाल रैली को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने हमीरपुर के सुजानपुर में जनसभा को संबोधित किया। दोनों जगह उन्हें सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जिनमें अपने चहेते प्रधानमंत्री को सुनने का इतना क्रेज था कि वे संबोधन के दौरान मोदी मोदी के नारे लगाते रहे।